आपको आगाह करते चलें, कराची के इलाके में अब्दुल नबी डकैत गैंग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। चोरी डकैती की वारदातें अरूज पर पहुंच गईं। हमें तफसीलात से आगाह करते हैं मोहम्मद आजम जी, बताइएगा। जी नाज़रीन इकराम, आपने बड़े बड़े चोर और डकैत देखे होंगे, लेकिन हम जिस चोर और डकैत का जिक्र कर रहे हैं इसका नाम है अब्दुल नबी। एक जाहल अनगवार शख्स है, ये लोगों के सामने खुदाई का दावा करता है। इसके बारे में आपको बताते चलें कि पोर्ट कासम से जितनी भी गंदम चावल पॉप खुली चोरी होती है, इसका सबसे बड़ा खरीदार अब्दुल नबी है। चोरी के माल के अलावा गाड़ियों को अगवा करना, पोटली फार्म को लूटना इसका मामूल जिंदगी है। इसके पास 40 से 45 लोग काम करते हैं। इसको पकड़ने के लिए कई मरतबा थाना शालतीफ, थाना बिन कासम, थाना स्टीलटोन, थाना मेमनगोट और मंगूफीर थाना की पुलिस ने कोशिश की, लेकिन कभी खातर खुआ कामयाब ना हो सकी। जब हमारी बात आला अफसरान से हुई तो इन्होंने बताया कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अब्दुल नबी सलाखों के पीछे होगा। अब देखते हैं कि हमारी पुलिस इसको पकड़ने में कामयाब होती है कि नहीं। चंद दिन पहले इसके एक कारगंदे को मंगूफीर थाने वालों ने पकड़ा, और जब अब्दुल नबी का टाइम आया तो इस वक्त इसने भारी रिश्वत देकर अपनी जान छुड़ा ली। हम सीएम सिंह से, आईजी सिंह से गुजारिश करते हैं कि इस नासूर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हवालिया जेल किया जाए, ताकि आइंदा ऐसी कोई किसी किस्म की घटिया हरकत ना कर सके। कैमरामैन गजाली रजा के साथ मोहम्मद आजम, पाकिस्तान न्यूज़ टीवी, कराची।